जी दोस्तों, आज आपको हम दिखाएंगे कि ये देख रहे हैं कि क्रेन हमने लगा दी है और यहाँ से कुछ हाइटेड जो पट्टे हैं वो ऊपर पहुँचाने हैं। और ये आप देख रहे हैं क्रेन, ये तकरीबन 100 फुट की बुलंदी पर मौजूद हैं जो इस वक्त पट्टे ऊपर लेके जा रही हैं। और ये देखें, ऊपर हमारे पट्टे पहुँच चुके हैं और स्पीड देखें क्रेन की, ये 100 फुट की हाइट पर हमने पहुँचाए हैं। सबसे जो मुश्किल काम होता है वो उतारना होता है, क्योंकि यहाँ पर मजदूर भी बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं। ये ड्राइवरी की कारीगरी होती है, इसको ड्राइवर कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ड्राइवर 100 फुट नीचे है और ऊपर से अपडेट कर रहे हैं सिर्फ इशारों के बेस पर। और ये नया जी नीचे उतर रहा है, कुछ प्लांट वगैरह उठाना है। वो ये बिल्डोजर से थोड़ा पाइप सीधा करना था, ग्राइंडिंग वगैरह करनी होती है। आप लोग देख रहे हैं क्रेन कुछ अपना काम करते हुए, बाकी इस वक्त खाने कर रहे हैं। हम नीचे खाना खाने जा रहे हैं, इस वक्त फिर एक दफ़ा ऊपर आएंगे दोबारा खाने के बाद। ये कुछ डीपी वगैरह बनानी थी तो इनको मैं बता रहा हूँ कि डीपी कैसे बनाई जाती है। तो ये हमारा पैनल रूम है, ये अभी तैयार होना है। ये तो अभी स्टार्टिंग से पैनल वगैरह लगे हुए हैं। हम दोबारा खाने के बाद ऊपर आ चुके हैं, सब लोग देख रहे हैं इसको, तो काम कर रहे थे क्रेन वाले भी, आप लोग देख रहे हैं। बाकी अब छुट्टी के टाइम हो गए, नीचे बैठे हैं, चप्पल टूट गई। ये मसला सारा रोटी का, बिल्कुल ये मसला सारा रोटी का। अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ, क्योंकि छुट्टी की छुट्टी होने के बाद अब गांव के थोड़े बारे में नाते भी आप लोगों के साथ शेयर करते जा रहे हैं। और इस वक्त ये नैब जब भी हम क्लास करते हैं तो अपने गांव में दाखिल हो जाते हैं आप लोग भी। मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ गांव की डेली रूटीन लाइफ शेयर करूँ।